हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है उनके महंगाई भत्ते और महंगाई राहत पर। साथ ही साथ अगला जो वेतन आयोग है यानी कि एट पे कमीशन है, उस पर भी बड़ी अपडेट मैं देने वाला हूँ, जिसका फायदा और जिसका असर सीधे सीधे सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स को अपनी सैलरी और पेंशन में देखने को मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए घंटे के निशान को भी प्रेस करिएगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोस को कंटिन्यू इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि जुलाई 2022 से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिसका सीधा और सीधा फायदा कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आपको अभी जो है 34% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत प्रोवाइड कराया जा रहा है, लेकिन इसमें 5 से 6% की महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होने के बाद आपको 39 से 40% तक महंगाई भत्ता और महंगाई राहत प्रोवाइड कराया जाएगा। लेकिन इसी बीच जो है कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए मीडिया में खबरें आ रही थी कि उनकी न्यूनतम सैलरी जो है और न्यूनतम पेंशन है उसमें बढ़ोतरी की खबर आ रही है। अगर वाकई में ऐसा होता है तो कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी जो कि सातवें वेतन आयोग के रिकमेंडेशंस के हिसाब से अभी 18,000 रुपये है बेसिक सैलरी, उसमें बढ़ोतरी हो करके 26,000 रुपये हो जाएगी, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को बहुत ज़्यादा जो है असर देखने को मिलेगा अपनी बेसिक सैलरी और बेसिक पेंशन में। लेकिन ये अभी सिर्फ और सिर्फ मीडिया में खबरें हैं, अभी कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट इस टाइप से जारी नहीं किया गया है, क्योंकि 3 अगस्त को एक कैबिनेट बैठक होने वाली है जिसमें कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए जो है जुलाई महीने से जो बढ़ोतरी हुई है महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में, उसमें जो है बढ़ोतरी होने के बाद में उसकी अनाउंसमेंट हो सकती है। साथ ही साथ डीए और डीआर के जो 18 महीने के डीए एरियर्स है उस पर भी कोई ना कोई अपडेट देखने को मिलेगी। और इसके अलावा जो है कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए जो 8वें वेतन आयोग की चर्चा हो रही है, बेसिकली अभी बहुत जल्दी है 8वें वेतन आयोग की चर्चा करना, लेकिन जो अभी मीडिया में से खबरें आ रही थी कि सरकार जो है 2 अलग अलग फॉर्मूलों पर जो है विचार कर सकती है, जिनमें से एक एक्रोइड फार्मूला है, साथ ही साथ दूसरा जो है आपकी महंगाई में बढ़ोतरी के हिसाब से दूसरा फार्मूला है। तो आगे आने वाली वीडियोज़ में इन पर मैं कभी चर्चा करूँगा। वीडियो अच्छा लाइक करिएगा, शेयर सभी के साथ करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।